वेलकम टू माय चैनल हेल्थ डॉट ब्यूटी में। हो आप सभी बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, ये प्रोडक्ट है हिमालया कंपनी का रीच कोको बटर बॉडी क्रीम। जैसे कि शायद आप लोग देख पा रहे हो, रीच कोको बटर बॉडी क्रीम का मैं रिव्यू लेके आई हूँ। कुछ दिनों से मैं ये वाला बॉडी क्रीम यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो शायद आप सभी को पता है मैं अनबॉक्सिंग किया था, ये जो परचेज की थी मैंने नायका से एंड नायका पैकेज से डायरेक्ट अनबॉक्सिंग करके मैंने दिखाया था। मैंने दो प्रोडक्ट लिया था, उसमें से ये एक प्रोडक्ट है। तो जो स्टैंड पर मैंने रिव्यू नहीं किया था, परचेज किया वो बहुत दिन हो गया। मैंने सोचा कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के बाद अगर इसको लगाती हूँ, लगाने के बाद अगर कुछ बेनिफिट्स मिलता है तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यूज़ लेके नहीं आती हूँ, मैं प्रोडक्ट को यूज़ करके आप लोगों के साथ रिव्यूज़ का शेयर करती हूँ। होप आपको मेरी ये वीडियोज़ एंड मेरा जो टिप्स वगैरह है वो आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है मेरे चैनल में रिव्यूज़ वगैरह देखना तो मुझे सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। उसके पास में जो रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन क्लिक कीजिए, उसके पास में बेल नोटिफिकेशन या बेल को क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर मेरा हर एक वीडियो आपको दिखेगा ऑल टाइम। एंड आप कमेंट्स करके बताइए को कौन सी प्रोडक्ट मुझे यूज़ करके आपको रिव्यू देना है। जो प्रोडक्ट आप परचेस करने मिल रहे हो तो मैं वैसा कोई एक प्रोडक्ट लेके आऊँगी, तो उसका रिव्यू करके आपको दिखाऊँगी। होप आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर ज़रूर प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं उसके बाद। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ। ये है हिमालया कंपनी का रीच कोको बटर बॉडी क्रीम। बॉडी क्रीम एंड बॉडी लोशन में डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। बॉडी क्रीम जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, लाइक आपके बॉडी का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर फील है आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक है, क्रीमी है। नॉर्मली जैसे कि कोई भी क्रीम लगाते हो वो अगर लाइट हल्का सा रहता है तो वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी चला भी जाता है। पर ये जैसे कि थिक होता है क्रीम, तो नॉर्मल बॉडी लोशन के हिसाब से थिक होता है, इसीलिए ये ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर आप पूछना चाहो कि बॉडी के लिए बॉडी लोशन अच्छा है या बॉडी क्रीम, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि मैं बॉडी लोशन लगाना कब का छोड़ दी हूँ, जब से बॉडी क्रीम आना स्टार्ट हो गया मार्केट में। क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा प्रोडक्ट आपको अगर मिल रहा है तो पुराने में क्यों बैठे रहना। तो ये हो गया आपका बॉडी क्रीम जो नॉर्मली क्रीम फॉर्म में आता है एंड इट्स रियली गुड फॉर स्किन, जो स्किन में शाइन लाता है। तो ये हिमालया का बॉडी जो क्रीम है इसमें कोका बटर है। कोका मीन्स आपको पता है जो लाइक कैफीन से होता है एंड बटर एक फ्लेवर है, तो इस बटर है इसमें, तो दैट्स गुड। जो अच्छा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ स्किन को हेल्दी रखता है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है स्किन को हेल्दी, मैंने जो बोल दिया है, रेडियंट रखता है स्किन को, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। तो इंटेंशनली मॉइस्चराइज करते हैं, इसका मतलब ये मॉइस्चराइज करता ही है, ये कन्फर्म है। तो कोका जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बनाया हुआ है और उस पास में यहाँ पे बटर, दो बटर के पीसेस रखा हुआ, शायद आप लोग देख पा रहे हो। तो इसका जो फ्लेवर है आई मीन स्मेल है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइक आप जब इसको लगाओगे आपको फील होगा चॉकलेट मैंने लगाई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्रीम कैसा है और कितने का किया आता है। तो ये नॉर्मली हिमालया कंपनीज का है, तो हिमालया ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है। एंड यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है क्या क्या है, जैसे कि विटामिन ई वगैरह है, नेचुरल कोका है, बटर है जो आपकी स्किन को, लिखा हुआ है डीपली मॉइस्चर करते हैं, हेल्दी एंड रेडियंट रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी इसका 200 ml है। एंड इसका प्राइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले ये क्वांटिटी देख लीजिए, आपको शायद दिखाई दे रहा है, ये क्वांटिटी है 200 ml का
एंड इसका प्राइस है 270 का, तो इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल है, अफोर्डेबल है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है। ये नॉर्मली ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, हिमालय का जो है ब्रांचेस वगैरह वहाँ का डिटेल्स दिया हुआ है ना, क्योंकि सभी को पता है हिमालय का प्रोडक्ट अच्छा होता है। एंड ज़्यादा कुछ तो बोलने का है नहीं। एंड इसमें लिखा हुआ है सुपीरियर एंड इंटेंस मॉइस्चराइजेशन, जो अच्छा है, जो पहले मैंने बता दिया है। इलिमिनेट ड्राइनेस एंड डलनेस, ऑब्वियसली किसी किसी स्किन बहुत ज़्यादा डल स्किन रहता है या ड्राई स्किन रहता है, उनके लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये प्रोडक्ट ये ज़्यादा ऑयली फॉर्म में नहीं होता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले मैं इसको ढक्कन ओपन करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा फॉर्म में है। ऐसा टाइप का है, मैंने आधा मैंने ख़त्म कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो कलर है, जो आपको शायद सफ़ेद दिख रहा है, ये सफ़ेद नहीं है, ये लाइक बटर एंड कोको अगर पाउडर मिला देते हो जो कलर आएगा ना इसका, लाइक बटरी, लाइक थिक, लाइक चॉकलेट का जो लाइट पोर्शन है, क्या बताऊँ, ये पूरा का पूरा वाइट नहीं है, ऑफ वाइट बोल सकते हो, ऑफ वाइट कलर है इसमें। लाइक मिल्क में हल्का सा अगर कोको पाउडर दे दो तो जो होता है कॉफ़ी का कलर, उससे थोड़ा लाइट है, पर ये वैसा टाइप का है। सो इसको मैं दिखा देती हूँ, इसका जो फॉर्म है ये देखिए, पूरा एकदम थोड़ा भी पतला नहीं है, ऐसे गिर नहीं रहा है, पूरा ठीक है फॉर्म। तो मैं थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ आपको अपने हाथ में। तो मैंने यहाँ पे इसको घिस दिया, मेरे यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं होने की वजह से ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे घिस दिया मैंने। देखिए मैंने इसको यहाँ पे रब कर दिया, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऑयली चिपचिपा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, नॉर्मली है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड ये अच्छे से इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, एंड सेम ही लुक देता है। तो ये लगा के देखिए इसका फ्लेवर, वाओ इट्स ऑसम। आपको लगेगा कि आप जस्ट आपने कुछ अच्छा सा लगा के आया है, मतलब चॉकलेट आप किस के आए हो, ऐसा टाइप का इसका स्मेल है। होप आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं और न्यू कुछ प्रोडक्ट का रिव्यूज़ लेके आऊँगी, एंड आपको अगर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू अगर जानना हो तो ज़रूर कॉमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, अगर आप यूज़ करते हो तो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, और यूज़ नहीं किया है तो परचेज़ करने के बाद ज़रूर बताइएगा प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है। थैंक यू।